चलो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज साइंस टू का सेकंड चैप्टर बच्चों हम लोग फिनिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन बच गया बच्चों, आज कंप्लीट कर देते हो, ओके ना बच्चों। चले बच्चों हम लोग, तो क्या बच गया था बच्चों अपना, हम लोगों ने कल क्वेश्चन वन का बच्चों तीन किया था ना, और तीन बच गया था बच्चों। समसूत्री विभाजन की डैश अवस्था में सभी गुणसूत्र कोशिका के विस्तृत वृत्ति प्रतल के समांतर संरचित होते बच्चों। समसूत्री कौन से विभाजन में बच्चों होता है, विस्तृत वृत्ति संरचना में गुणसूत्र मतलब संरचित करते बच्चों, मध्यावस्था में बच्चों। समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में बच्चों सभी गुणसूत्र क्या होते, कोशिका के विस्तृत वृत्ति पतल में समांतर संरचित होते बच्चों, समांतर गमन करते बच्चों। क्यों, क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है बच्चों, मध्यावस्था प्रक्रिया के समय सभी गुणसूत्र कोशिका के विस्तृत वृत्ति पतल में घूमते बच्चों, और फिर उसी अवस्था के बाद बच्चों क्या था, गुणसूत्र कोशिका दो अलग अलग विपरीत दिशा की ओर बढ़ते बच्चों। पहले विस्तृत वृत्ति समांतर में घूमते रहते बच्चों, बाद में धीरे धीरे उनके डायरेक्शन चेंज हो जाते, दो विपरीत दिशा में चले जाते हो क्या बच्चों। फिर क्या था बच्चों, कोशिका का प्रद्रव्य पटल तैयार करने के लिए डैश अणु की आवश्यकता होती है बच्चों। कोशिका का प्रद्रव्य पटल तैयार करने के लिए बच्चों वसा के अणु की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता है बच्चों, वसा के अणु की आवश्यकता होता है, ओके बच्चों। यस, वसा को बच्चों लिपिड बच्चों, लिपिड का यानी वसा का पाचन होने पर बच्चों वसा अम्ल या ग्लिसराल बनता है बच्चों। जब बच्चों वसा का हम लोग पाचन करते हैं तो वसा अम्ल बनता है बच्चों या ग्लिसराल बनता है बच्चों, और फिर वसा अम्ल का रूपांतरण बच्चों फॉस्फोलिपिड में रूपांतरित होता है बच्चों, ओके। जो वसा अम्ल बच्चों वो फॉस्फोलिपिड में रूपांतरित हो जाता है, ओके। फॉस्फोलिपिड बच्चों प्रद्रव्य पटल बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। प्रद्रव्य पटल का अणु बनने के लिए बच्चों किसकी जरूरत पड़ता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बनता कैसे बच्चों, वसा अम्ल से। वसा अम्ल कैसे बनता है बच्चों, वसा के पाचन से, यानी वसा के पाचन से बच्चों पहले वसा अम्ल बनता है, वसा अम्ल किससे बच्चों फॉस्फोलिपिड में रूपांतरण होता है, और यही फॉस्फोलिपिड बच्चों चाहिए क्या, प्रद्रव्य पटल बनाने के में मदद महत्वपूर्ण भूमिका होता है बच्चों, ओके। फिर बच्चों जब हम व्यायाम या कसरत करते बच्चों तब हमारी मांसपेशियां डैश प्रकाश शोषण करता है, तो जब हम व्यायाम या कसरत करते रहते हैं बच्चों उस समय हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है बच्चों, क्योंकि हमको ज़्यादा एनर्जी मतलब मेहनत करना पड़ता है बच्चों, और जब ऑक्सीजन कम होता है बच्चों तो हम लोग कौन सी श्वसन क्रिया करता रहेगा, अनाक्सी श्वसन। तो जब हम व्यायाम या कसरत करते बच्चों तब हमारी मांसपेशियाँ अनाक्सी श्वसन प्रकार के श्वसन करता बच्चों, ओके। तो जब ऑक्सीजन कम होता बच्चों तब कोशिकाएँ अनाक्सी श्वसन क्रिया करती है, और जब व्यायाम या हम कसरत करते बच्चों उस समय हमारे शरीर के पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, यही कारण बच्चों ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोशिकाएं अनाक्सी श्वसन क्रिया करने लगता बच्चों, और अनाक्सी श्वसन में क्या होता है बच्चों, अनाक्सी श्वसन में कम ऊर्जा बनता है, और जब कम ऊर्जा बनता है बच्चों तो हमें थकान महसूस होता है, इसलिए बच्चों कसरत करने से हमें या उसके बाद एक थोड़ा सा हल्का थकान जैसा लगता है, क्यों, क्योंकि अनाक्सी श्वसन की क्रिया के ऑक्सीजन कम पड़ रहा बच्चों, ऑक्सीजन जब कम पड़ेगा तो ऊर्जा कम बनेगा बच्चों अनाक्सी श्वसन में, और ऊर्जा कम बनेगा तो हमको थकान महसूस होएगा बच्चों, ओके। तो बच्चों तो आपका स्वाध्याय का कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, तो मैं आपको कल व्हाट्सएप पर डालूंगा, थोड़ा अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों। चलो बच्चों मैं क्वेश्चन बच्चों, वनस्पति जन प्रोटीन प्रथिन को फर्स्ट क्लास प्रथिन कहते हैं, सत्य है सत्य बच्चों, वनस्पति जन प्रथिन को फर्स्ट क्लास प्रथिन कहते हैं, नहीं बच्चों रॉन्ग है, किसको कहते हैं हम लोग, प्राणी जन प्रोटीन या प्रथिन को बच्चों फर्स्ट क्लास प्रथिन होते हैं, वनस्पति जन प्रथिन फर्स्ट क्लास नहीं होता बच्चों, क्या होता है प्राणी जन, अंडा मच्छी मटन ये सब प्राणी जन जो होता है बच्चों फर्स्ट क्लास प्रथिन कहलाता है, ओके बच्चों। अब बच्चों जोड़ियाँ मिलाना है, प्रथिन और शरीर के भाग, पहला दिया बच्चों हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, लाल रक्त कण यानी रक्त में बच्चों, हीमोग्लोबिन मतलब लाल रक्त के कण में पाया जाता है बच्चों, ओके बच्चों। और उसके बच्चों दिया है आसिन, आसिन कहाँ था बच्चों, पढ़े हम लोग आसिन हमारे हड्डियों में पाया जाता है बच्चों, ओके। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में होता है बच्चों और आसिन हमारे हड्डियों में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। फिर दिया बच्चों केराटिन, केराटिन बच्चों हमारे त्वचा में होता है, इसलिए देखते कुछ लोगों की त्वचा बच्चों एकदम ग्लोइंग मतलब बच्चों चमकदार दिखता है, कुछ लोग त्वचा रूखा रूखा दिखता है बच्चों, क्योंकि शरीर में केराटिन की कमी की वजह से शरीर में त्वचा रूखा रूखा रहता है बच्चों, ओके।
और बच्चों मायोसिन क्या होता है, मांसपेशियों में। मायोसिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, मांसपेशियों में। तो ये सब कुछ प्रथिन है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन भी प्रथिन है जो रक्त में पाया जाता है बच्चों, आसिन भी प्रथिन है जो हड्डियों में पाया जाता है बच्चों, कैरोटीन त्वचा में पाया जाता है, और उसके बाद क्या था बच्चों, मायोसिन ये स्नायु मांसपेशियों में पाया जाता है बच्चों। ओके बच्चों, फिर दिया बच्चों कुछ असंगत वर्ड है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन बच्चों। क्या बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन बच्चों। एक सेकेंड बच्चों, तो प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन, क्या बच्चों, इंसुलिन असंगत शब्द है। क्यों असंगत बच्चों, क्योंकि अन्य सभी जो होता है बच्चों वसा अम्ल से बनते हैं, और इंसुलिन बच्चों ये प्रथिन है। तो जो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है बच्चों, ये सभी क्या होते हैं, वसा के स्निग्ध अम्ल के हार्मोन से, हार्मोन मतलब बच्चों संप्रेरक है, जबकि इंसुलिन बच्चों स्निग्ध पदार्थों का संप्रेरक नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, चलो बच्चों आगे आगे देखिए बच्चों, एक्टिन, आसिन, मायोसिन और मेलानिन बच्चों। एक्टिन, आसिन, एक्टिन, आसिन, मायो, फिर क्या बच्चों, मायोसिन और मेलानिन। तो इसमें असंगत क्या बच्चों, मेलानिन। क्यों, क्योंकि बाकी सब जो बच्चा होता है वो प्रथिन है बच्चों। ओके, अन्य सभी प्रोटीन शरीर के हलचल में संबंधित होते हैं बच्चों, बाकी सभी जो प्रोटीन बच्चों हमारे शरीर में मूवमेंट क्यों होते हैं, लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया बच्चों, बेड ब्रेन डेड बच्चों, वो जीवित तो रहेगा लेकिन शरीर उसका हलचल नहीं करता बच्चों। क्यों, क्योंकि मेलानिन। तो बाकी जो बच्चों जो हमारे संप्रेरक है कौन सा, कितने बच्चों, एक्टिन, आसिन और मायोसिन बच्चों, ये तीन संप्रेरक हमारे शरीर के हलचल के लिए जरूरी प्रथिन है बच्चों, मेलानिन शरीर के हलचल के लिए जरूरी नहीं है। स्निग्ध पदार्थ वसा, कार्बोज, स्निग्ध अम्ल और प्रथिन बच्चों। स्निग्ध पदार्थ वसा बच्चों कार्बोज है, स्निग्ध अम्ल बच्चों और प्रथिन दिया बच्चों। इसमें क्या संगत करोगे बच्चों, स्निग्ध वसा अम्ल बच्चों। क्यों, क्योंकि अन्य सभी घटक खाद्य पदार्थ पोषक द्रव्य बच्चों, जबकि स्निग्ध अम्ल विशेष तरह का पोषक द्रव्य है, विलेय पोषक द्रव्य बच्चों, विलेय और विलायक। विलेय मतलब जो घुल जाता बच्चों, और विलायक मतलब जो अपने आप को घोल लेता बच्चों, विलेय यानी जो घुलता है। शक्कर क्या होता है, जो घुल जाता है पानी में, हाँ, तो शक्कर क्या है, विलेय। किस में घुल गया बच्चों, पानी में ना, तो पानी क्या है, विलायक, जिसके अंदर घूमता बच्चों। समुद्र क्या बच्चों, विलायक। सारी नदियाँ दुनिया में क्या बच्चों, विलेय, क्योंकि नदियाँ जाके समुद्र में मिलता है, समुद्र नदी में नहीं मिलता बच्चों, नदियाँ समुद्र में मिलता है। तो वैसे बच्चों स्निग्ध पदार्थ, उसके बाद कार्बो, स्निग्ध अम्ल बच्चों और प्रोटीन। तो स्निग्ध अम्ल बच्चों जो है विलेय, विलेय यानी घुल जाता है बच्चों बाकी चीज़ों में। ओके, फिर क्या बच्चों, अल्कोहल, सिरका, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। अल्कोहल, सिरका, पायरुविक अम्ल और लैक्टिक अम्ल बच्चों, क्या है बच्चों, पायरुविक अम्ल। क्यों, क्योंकि अन्य सभी किण्वन के द्वारा प्राप्त होते बच्चों। अल्कोहल क्या होता है बच्चों, सड़ान पैदा करके आता है। सिरका बच्चों वो भी सड़ान पैदा करके आता है बच्चों, और बच्चों लैक्टिक अम्ल भी सड़ान पैदा करके, खाली क्या बच्चा बच्चों, पायरुविक अम्ल। ये जो पायरुविक अम्ल है बच्चों वो सड़ान पैदा करके नहीं आता, यानी किण्वन प्रक्रिया से नहीं होता बच्चों। ओके, फिर बच्चों दिया क्या, ट्राइकार्बोजिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, क्रेब चक्र और एम्बेडन मेयर हाफ परनास वे बच्चों। अब ट्राइकार्बोजिक अम्ल बच्चों, साइट्रिक अम्ल चक्र यानी साइट्रिक, और उसके बाद क्या बच्चों, क्रेब चक्र, और फिर दिया बच्चों ईएमपी पाथवे। क्या आएगा बच्चों, ईएमपी पाथवे, बाय, क्योंकि अन्य सभी पद का बच्चों एक दूसरे के समानार्थी वर्ड है बच्चों। देखो ध्यान से बच्चों, ट्राइकार्बोजिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, क्रेब चक्र, वो सब एक ही है बच्चों। ओके, खाली ई एम बी पाथ अलग हो गया बच्चों। रहा बच्चों, चले मैं आगे बच्चों, पक्का, ओके बच्चों। आगे क्वेश्चन है बच्चों, गर्मी के दिनों में ज़्यादा मेहनत करने में हमें पसीना आता बच्चों। तो गर्मी के दिन देखते बच्चों, अगर थोड़ा भी काम किया तो भी आपको सही से पसीना आने लगता बच्चों। क्यों बच्चों, क्योंकि गर्मी दिनों में जो तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ओके बच्चों, जब तापमान बढ़ जाएगा और हमारे बॉडी का तापमान अलग रहेगा बच्चों, तो दोनों में तालमेल बिठाने के लिए हमारे शरीर का भी तापमान बढ़ेगा बच्चों। और जब तापमान बढ़े तो बोलते बुखार आ गया बच्चों। तो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने के लिए क्या बच्चों,
वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलता है बच्चों, ओके, ताकि हमारा शरीर का तापमान बैलेंस हो जाए बच्चों। ग्रीष्म ऋतु के आसपास बच्चों परिसर के तापमान अधिक होता है, इसका हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है बच्चों। और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए शरीर के श्वेत ग्रंथियाँ बच्चों, श्वेत ग्रंथि बच्चों जो पसीने बनाता बच्चों शरीर से निकालता है उसको बोलते हैं श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि का काम क्या बच्चों, शरीर में पसीने बनाना और पसीनों को बाहर फेंकना बच्चों। ये स्वयं उद्दीपित होते, उद्दीपित मतलब बच्चों स्वयं क्रिया करने लगते होते बच्चों। तो जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता बच्चों तो जो पसीने की जो ग्रंथियाँ बच्चों वो कार्य करना शुरू कर देता बच्चों। इसके बाद स्वतः पसीना आने लगता बच्चों, तुरंत ही पसीना का वाष्पीकरण हो जाता बच्चों और शरीर का तापमान नहीं। और फिर जैसे बच्चों जब पसीना आता है ओके, और जैसे उस वाष्पीकरण मतलब बच्चों सूखने लगता है, वैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कंट्रोल में आ जाता है। इस प्रकार तापमान शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना आता बच्चों। तो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए शरीर में पसीना आता बच्चों। जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बच्चों ज़्यादा होने लगता हो तब क्या आता है, वो श्वेत ग्रंथि जो यानी जो पसीने वाली ग्रंथि है बच्चों वो एक्टिव हो जाता है और पसीने के माध्यम से शरीर से पानी वाष्पीकरण कर देने लगता है बच्चों। जैसे वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाता है, ओके बच्चों। ठीक है बच्चों, चलो मैं आगे, बस बच्चों आगे बच्चों कुछ रोग दिए हैं उसके कौन कौन से लक्षण है बच्चों है। पहला दिया बच्चों रतौंधी, रतौंधी बच्चों ये जो होता है कम दिखाई, रातों के समय बच्चों खासकर कम दिखाई देना, अंधेरे में नहीं दिखाई देता बच्चों और कभी कभी पूर्ण अंधत्व भी आ जाता बच्चों। इससे जीवन सत्व तो एक ही कमी से होता बच्चों। तो जिन लोगों को आँख की बीमारी बच्चों वो लोग पालक की सब्जियाँ खाओ, ओके कार्तिक अपने बहन को भी पालक की सब्जी खिलाओ। तो कम दिखाई देना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता बच्चों, या पूर्णतः अंधत्व, पूर्णतः अंधत्व पूरी तरह नहीं दिखाई देता बच्चों कभी कभी। तो सूखा रोग सुखंडी बच्चों, सुखंडी मतलब बच्चों जब शरीर की हड्डियाँ कमजोर होता बच्चों, ओके कमजोर और मुलायम हड्डियाँ शरीर की वृद्धि ना होना बच्चों। तो हड्डियाँ एकदम कमजोर हो जाना, एकदम पतला दुबला पतला दिखाई देना बच्चों, ओके खासकर पैर वाला हिस्सा बच्चों एकदम पतला दिखाई देना पोलियो की तरह बच्चों। आगे बच्चों बेरीबेरी, बेरी बच्चों क्या था, इसमें मांसपेशियाँ हमारे काफ़ी कमजोर हो जाता बच्चों। तो मांसपेशियों की कमजोरी होना, ऊर्जा की कमी आना बच्चों और शरीर को लकवा मारना, लकवा सुने बच्चों पैरालिसिस, तंत्रिका संस्था ढंग से काम नहीं करता और हमारे बच्चों जो बॉडी कंट्रोल करने का सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं करता बच्चों, ओके। फिर दिया बच्चों न्यूरिटिस, हाथ पैर संवेदन शून्य, कभी देखते बच्चों हाथ पैर संवेदन शून्य मतलब बच्चों झुंझुनी आना मतलब झुंझुनी बच्चों, ओके अकड़ जाना, उसको चिमटी काटो तो कोई असर ही नहीं होता शरीर पर बच्चों। डैडी को संवेदनहीन, संवेदना ही नहीं बच्चों, कुछ भी चिमटी करो कुछ भी करो उसको कोई असर नहीं हो रहा बच्चों। हाथ पैर में सुई चुभने जैसे कभी कभी बच्चों ऐसा लगता कुछ चुभ रहा हो अंदर से, दर्द देना, समन्वय की कमी, समन्वय बच्चों अरे आँख कुछ और देख रहा मुंह कुछ और बोल रहा बच्चों, इस तरह कमी हो रहा है। हाथ पैर कांपना, स्पर्श होने पर तीव्रता से वेदन, कोई अरे कुछ भी छुआ गया तो बच्चों दर्द देना, जलन होना बच्चों, ये सब उसकी समस्याएं हैं, ओके। देखिए बच्चों पेलाग्रा, सूर्य प्रकाश में से तकलीफ रहना बच्चों, यस कुछ बच्चों को रात रोशनी से जैसे लाइट चालू कर रहा हो या धूप में बाहर जा रहा हो बच्चों तो उसको एकदम चिड़चिड़े मतलब तो चिड़चिड़ापन आता बच्चों, ओके तो उसको गुस्सा आ रहा बच्चों। बाल का झरना गिरना बच्चों, जीभ लाल होना, छाला पड़ना बच्चों, शरीर पर लाल रंग का रैशेज आना बच्चों, चकता, नींद नहीं आना, कमजोरी और मानसिक भ्रांति उत्पन्न होना बच्चों। मानसिक भ्रांति मतलब बच्चों मेंटली डिसऑर्डर बच्चों, हर तरह के जगह बार बार यार उसको कोई गलत गलत ख्यालात आना बच्चों, बुरे ख्यालात आना, ये सब की बीमारी बोलते बच्चों पेलाग्रा, ओके। रक्त क्षय बच्चों अनिमिया, इंडिया में बच्चों 80% 90% जो गर्ल्स है बच्चों वो अनिमिया के शिकार हैं, ब्लड की कमी बच्चों अनिमिया, और उसकी वजह से उनको सर दर्द देना, थकान होना, ऊर्जा का नाश होना बच्चों, तो गर्ल्स लोगों की ज़्यादातर लक्षण बच्चों अनिमिया, यहाँ ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है बच्चों, ओके। और फिर बच्चों स्कर्वी है, इसके देखते बच्चों कुछ लोगों को घाव चोट लगता है बच्चों लेकिन घाव जल्दी ठीक होता ही नहीं, भरता ही नहीं बच्चों, बहुत टाइम लगता है उनको इसके, तो घाव का भरना ना भरना बच्चों,
मसूड़ों में ब्लड आना बच्चों, जोड़ों में दर्द देना, ये सब कुछ क्या है बच्चों, इसका भी बीमारी के लक्षण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए था बच्चों, जो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लोगे बच्चों। ओके बच्चों, हो जाएगा, तो हो गया बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 ओवर हो गया। ठीक है बच्चों, उसके याद करके फिनिश करोगे फिर इसका हम लोग एग्ज़ाम लेंगे बच्चों। ओके।